हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल दारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यानी कि आप माई जियो एप्लीकेशन से रिचार्ज कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर है जो ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर में आपको सर्च कर लेना है माई जियो एप्लीकेशन, या फिर आपके मोबाइल में होगा तो इस एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। माई जियो एप्लीकेशन है जो, इस एप्लीकेशन का आप लोगो देख लीजिए। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी यानी कि आपके मोबाइल में होगा तो इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिचार्ज करना है यानी कि आपके नंबर पर, तो आपको करना क्या है जैसे कि आपको यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कोने में दिखाई देगा थ्री लाइन, तो यहाँ पे थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिचार्ज का, यानी कि सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा जो, यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन दिखाई दे रहा जो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रिचार्ज यूअर नंबर, यानी कि आपके नंबर पे रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पर रिचार्ज फॉर फ्रेंड, यहाँ पे आप फ्रेंड को भी रिचार्ज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको क्लिक कर देना अपने नंबर पे रिचार्ज करना, तो यहाँ पर रिचार्ज यूअर नंबर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो जिस भी प्लान का रिचार्ज करना चाहते हो, जैसे कि आपकी 399 या 400 का या फिर 500 का, आप जैसा भी प्लान रिचार्ज करना चाहते हो यहाँ पर आपको ऑफ़र दिखाई देगा, तो इस हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्लान आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर जो 1699 का करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 300 यानी कि 65 दिन के लिए मिलेगा, और कॉलिंग अनलिमिटेड मिलेगा, और यहाँ पर डाटा है जो आपको 5 GB मिलेगा। उसके बाद आपको अगर आप 399 को करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 84 दिन के लिए मिलेगा और 126 GB डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पे जो 149 का, तो 28 दिन के लिए 42 GB डाटा मिलेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो यानी कि 349 का 70 दिन के लिए कर सकते हो, और यहाँ पर आप यानी कि 450 का भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ क्या करना है, टिक लगाना है। जैसे कि आपको 399 का रिचार्ज करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने पे दोस्तों यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा वाई का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जैसे कि आप यहाँ से पेटीएम से भी रिचार्ज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डेबिट एटीएम कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप जियो मनी से रिचार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर जियो मनी से भी आप रिचार्ज कर सकते हो, और फोन पे से भी आप रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पेटीएम का ऑप्शन दिखाई देगा, जियो मनी, और यहाँ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और सबसे ऊपर है जो डेबिट एटीएम कार्ड। तो यहाँ पर जो मैं क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर आपको चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों दूसरा पेज ओपन हो चुका है, और सबसे ऊपर यहाँ पर कार्ड नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर है जो आपको कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी यानी कि आपके कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर है जो एक्सपायर, यहाँ पर आपको मंथली डाल देना है। यहाँ पर जो जनवरी फरवरी जो भी है आपके कार्ड में वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपायर वेयर डालना है, यहाँ पर आपको सन डाल देना है जो भी आपके कार्ड में हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा यानी कि आपको CVV कोड डालना है। CVV कोड यानी कि 3 अंकों का होता है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपके कार्ड में CVV कोड है वो आपको यहाँ पर 3 अंकों का जो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा नाम, तो यहाँ पर नाम ऑन द कार्ड है, यहाँ पर जो भी कार्ड में नाम होगा यानी कि जिसका भी यानी कि अकाउंट होगा उसका यानी कार्ड में नाम होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है नाम। उसके बाद आपको यहाँ सबसे नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने पे दोस्तों यानी कि आपका रिचार्ज हो जाएगा, आपके नंबर पे OTP आएगा। उसके बाद
आपको ओटीपी डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यानी कि आपका माई जियो एप्लीकेशन से रिचार्ज हो जाएगा जियो सिम में। तो दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताया दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।